जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इन फेज का एक रोल है। तो मिडेवल हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में हम लोग दो एक तरीके से चीजों को देखेंगे। पहला फेज दिल्ली सल्तनत, सल्तनत का फेज, जहां पे हमें स्लेव डायनेस्टी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी, ये सारी चीजें दिखेंगी। उसके बाद हमें अगला फेज जो दिखेगा, बाबर आएगा और वो लोदी डायनेस्टी का एंड करेगा, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में बाबर लोदी को हराएगा, और लोदी को हराने के बाद ही इंडिया में एक और एम्पायर की शुरुआत होती है, जिसका नाम है मुगल। तो मुगल लोग जो है वो भारत आएंगे, और मुगल पीरियड ये भी हमारा मिडेवल टाइम पीरियड का पार्ट है। अगर बात करें कि भाई कब से कब तक इन दोनों का टाइम पीरियड रहा है, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526, ये वाला टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत, और 1526 में एक तरीके से बाबर और लोदियों के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा, उसमें बाबर जीतेगा, और 1857 लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह छपर सेकेंड वो रहेगा। वैसे देखा जाए तो मुगल पीरियड 1857 से पहले ही एक तरीके से खत्म हो चुका होता है, लेकिन नॉर्मली ये इसी टाइम खत्म होता है, वरना जब ब्रिटिश लोग आते हैं और इंडिया पर अटैक करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 में, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होगा 1764 में। इसमें ये एक तरीके से रियल में जो पावर है शिफ्ट हो जाती है ब्रिटिश के पास, और मुगल बस नाम नाम के राजा रहते हैं। लास्ट मुगल रूलर जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो है औरंगजेब, औरंगजेब के बाद नाम नाम के रूलर होते हैं। और इंडिया में इस मिडेवल टाइम पीरियड से पहले हमारे देश में एक नया सिस्टम डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे सेंट्रलाइज जो पावर है वो खत्म हुई, तो बिफोर मिडेवल पीरियड इंडिया में क्या चल रहा था, क्यों इन सबको मौका मिला दिल्ली सल्तनत के रूलरों को, कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी फॉरनर, कोई भी इन्वेडर आपकी फैमिली के ऊपर या आपकी टेरिटरी के ऊपर तभी कंट्रोल कर सकता है जब आप अपनी टेरिटरी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जब इंडिया में डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया, उसके बाद ही एक तरीके से एक चीज समझ आ गई कि भाई उन लोगों को कि भाई यहां पर कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है जो हमें रोके, और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया फ्यूडलिज्म की वजह से। और फ्यूडलिज्म मतलब एक तरीके से सामंतवाद, सामंती सिस्टम। और ये सामंती सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, लैंड के बाद। जब से लैंड की बात आई कि भाई लैंड एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसी से फ्यूडलिज्म डेवलप होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये है क्या, व्हाट फ्यूडलिज्म, क्या चीजें हैं, साथ में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, अगली बात इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स
कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिफोर मिडेवल पीरियड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, तो वो सारी चीजें इससे डिपेंड होते हैं। और सबसे बात इसका इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा होगा, कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव रहा होगा। तो इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या रहा? बात करें फ्यूडलिज्म, तो फ्यूडलिज्म का सिंपल सा मतलब है, एक तरीके से लैंड का डिवीजन, डिवीजन ऑफ लैंड। जब सेंट्रलाइज पावर थी उस टाइम ज्यादातर लैंड किंग के पास होती थी। जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ, पावर धीरे धीरे किंग के पास नहीं। और ये डिवीजन ऑफ लैंड कैसे हुआ? क्योंकि लैंड चैरिटी की बात हुई। एक तो ब्राह्मण लोगों को लैंड दान में मिलने लगी, साथ में हमने देखा बहुत सारे रूलरों ने एडमिनिस्ट्रेटर को भी उनकी सैलरी देने के लिए लैंड दिया, और धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनके पास भी लैंड हो गई। वो भी अपने आप को एक तरीके से फ्यूडलिज्म सिस्टम कहने लगे, अपने आप को किंग कहने लगे। इन सिंपल वर्ड, इंडिया की जो टेरिटरी थी धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने लगी, और इन छोटे छोटे पार्ट पर जो कंट्रोल था उसका था जिसकी वो लैंड थी। और ये लैंड उसे या तो चैरिटी में मिली थी या सैलरी में मिली थी, तो हर कोई चाह रहा था मैं भी किंग। तो सब अपने अपने एरिया के किंग बन गए। इस वजह से जो किंग था उसकी जो पावर थी वो डिक्रीज हो गई। एक तो ये लैंड जो चैरिटी में दी या डिवाइड की इस किंग ने की, दूसरा जो ये सामंत थे या फ्यूडलिज्म थे इसने भी अपनी थोड़ी सी रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए खुद भी लैंड दी। मतलब सब फ्यूडलिज्म, मतलब एक सामंत अपने यहाँ यज्ञ करवा रहा है, साथ में लोगों को जता रहा है कि देखो मैं भी एक महान राजा हूं, छोटे ही एरिया का सही लेकिन मैं भी राजा हूं। लेकिन लोग इसकी ये बात मानेंगे क्यों? तो ये थोड़ा सा खर्च करेगा, खर्च कैसे करेगा? लैंड से। तो इंडिया में धीरे धीरे ये सारी चीजें हमें दिखती हैं भाई, कैसे फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। एक तो ऊपर से फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ जहां पर राजा लैंड दे रहा है, और दूसरा नीचे से फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ जहां पर एक फ्यूडलिज्म दूसरे फ्यूडलिज्म को एक तरीके से लैंड दे रहा है, और इसके भी छोटे छोटे पार्ट। ऐसे इंडिया में एक तरीके से टेरिटरी डिवाइड होने लगी, और इससे धीरे धीरे क्या हुआ, अब किंग को जो लोग रेस्पेक्ट देते थे, पहले क्या होता था सारा रेस्पेक्ट जो फार्मर था ट्रेडर था वो किंग के प्रति डेडिकेटेड था, लेकिन अब लोग जिस एरिया में रहते हैं उस पर कंट्रोल इस फ्यूडलिज्म का है, तो लोग पॉलिटिकली अपना जो सारा डेडिकेशन है वो इस फ्यूडल या सामंत के प्रति रखेंगे, क्योंकि अब ये सामंत ही उसके भले या बुरे के लिए काम करता है, किंग नहीं। पहले किंग करता था तो किंग के प्रति डेडिकेटेड थे, अब ये करता है तो इसके प्रति डेडिकेटेड है। इसलिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हो गया, और पब्लिक जो उसके पास में सामंत था उसके प्रति डेडिकेटेड हो गई। राजा और पब्लिक के बीच काफी डिस्टेंस बन गया, और इसीलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो गया। साथ में इकोनॉमी पे इंपैक्ट ये पड़ा कि अब ये लैंड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये जो सामंत हैं आपस में लड़ते भी रहते थे कि मैं बड़ा तू बड़ा, और जब ये लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी में बदल गई, मतलब अब आपको पूरे एरिया में अगर ट्रेड करना है इन सब सामंत से फ्यूडल से परमिशन लेनी पड़ेगी।
इसलिए ट्रेड बैरियर काफी ज्यादा है। और इसलिए बोला जाता है इस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ग्रोथ थी वो भी रुकी। तो ये हमने जाना कि क्या फ्यूडलिज्म होता है। अगली बात आती है डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका, कैसे फ्यूडलिज्म इंडियन सोसाइटी में डेवलप हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन जो हम देखेंगे, हमें पता है कि भाई आफ्टर मौर्य पीरियड, महाजनपदा के टाइम से ही जब से आयरन मिला था लैंड की वैल्यू काफी बढ़ गई और अब लैंड एक रिसोर्स हो गई थी। और लैंड एक रिसोर्स हो गई तो डिसाइड करना था कि भाई इस लैंड का ओनर कौन, मालिक कौन। उसके लिए बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड रखे गए और लैंड रिकॉर्ड जब रखे गए और लैंड को परचेज और सेल के लिए जब अलाउ कर दिया गया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लैंड खरीदी, बहुत सारे लोगों ने लैंड बेची। तो ये सारी कहानी मौर्य पीरियड से स्टार्ट होती है कि भाई लैंड का वैल्यू जो बढ़ने लगा ये मौर्य टाइम पीरियड में। इनके टाइम पीरियड में लैंड का वैल्यू बढ़ा, लेकिन आफ्टर मौर्य मौर्य टाइम पीरियड में फिर भी ठीक था क्योंकि सेंट्रलाइज पावर थी, लेकिन आफ्टर मौर्य ये और ज्यादा चीजें एक तरीके से डिवाइड होने लगी। मौर्य पीरियड के बाद लैंड चैरिटी, लैंड दान में देना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे यहां पर बहुत सारी किंगडम बनी, शक बने, इंडो ग्रीक बने, सातवाना आए, ये सारे लोग लैंड चैरिटी को लेके आए। और साथ में हमने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण जिनको दान ग्रहता, दान ग्रहता या इस ब्राह्मण को एक बार लैंड दे दी तो वापस नहीं ले जाते, मतलब चैरिटी में लैंड दे दी। और ये किस लिए करते थे? जिससे ब्राह्मण इनकी वाहवाही करे थोड़ा। तो ब्राह्मण भी धीरे धीरे सामंत बनने लगा। तो एक तरीके से मौर्य टाइम पीरियड के बाद लैंड चैरिटी की जो कॉन्सेप्ट आया उसने धीरे धीरे लैंड का डिवीजन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में ये चीजें और एक आगे बढ़ी और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू राइट कि आपको जो टेरिटरी दी गई है वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, प्लस में ये लोग उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर। अब वहां के ऑफिसर को लॉ एंड ऑर्डर उस लैंड में रहने वाले लोगों पर कंट्रोल एक तरीके से होने लगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लॉ एंड ऑर्डर का राइट मिल गया। और फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से लैंड का यूज भी कर सकता था। धीरे धीरे कंट्रोल उसका बढ़ रहा है। पहले राजा ने बोला कि भाई उससे आप रिवेन्यू कलेक्ट कर लो, उसने बोला ठीक है राजा जी। अब ये लोग बोले एडमिनिस्ट्रेटर, देखो राजा जी हम रिवेन्यू तो कलेक्ट कर लें लेकिन कैसे करें, प्यार से या थोड़ा हार्ड से? राजा ने बोला जैसे भी आप कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर ने ठीक कहा, हम कलेक्ट करते हैं। तो जो लोग प्यार से माने वो प्यार से, जो लोग नहीं माने उनको थोड़ा सा अपनी सेना का डर दिखा के या जोर जबरदस्ती से रिवेन्यू कलेक्ट करने लगे। अब लोग डरने लगे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कि भाई ये ऑफिसर आएगा तो हमें पीटेगा, इसलिए वो अपने आप ही इस ऑफिसर से बना के रखना चाहते हैं।
और साथ में ऑफिसर डिसाइड कर रहा है कि लैंड का यूज क्या होगा, कहाँ पर रोड बनेगा, कहाँ पर खेती होगी, कौन मुझे कितना देगा, ये सारी चीजें एक तरीके से हो रही। तो धीरे धीरे लोगों का जो इंटरेस्ट है राजा से हटके इस ऑफिसर की तरफ जा रहा है। उसके बाद गुप्ता पीरियड वाला टाइम आता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बाद अब रेवेन्यू राइट, प्रशासन, ये सारी चीजें तो है ही। इनके पास रेवेन्यू राइट है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, प्लस लैंड यूज, साथ में जो रेसिडेंट है उन पे भी राइट है, ऑन रेसिडेंट। अब धीरे धीरे रेसिडेंट अपना राजा इसे ही मानने लगे। और रेसिडेंट कौन थे ज्यादातर है? या तो फार्मर थे या क्राफ्टमैन थे। अब ये फार्मर या क्राफ्टमैन जो भी चीजें करते हैं इनके कहने पे ही करते हैं, और ना राजा के साथ कोई कम्युनिकेशन है। तो धीरे धीरे पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आते आते यहाँ की पब्लिक अपना राजा इस सामंत को मानने लगी। तो ये सामंत हो सकता है ब्राह्मण हो सकता है क्षत्रिय हो, या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो। तो जिसको लैंड मिली वो एक तरीके से सामंत बन गया। और ये सारी चीजें धीरे धीरे और बढ़ने लगी। और अब यहां पर जस्टिस का काम भी कौन करेगा? यही सामंत। मतलब इनको जो भी हेल्प चाहिए उन सब चीजों में एक तरीके से कंट्रोल है इस सामंत। तो लोगों को न्याय चाहिए तो जस्टिस मिलेगा इससे, लोगों को फूड चाहिए तो फूड मिलेगा इससे। अब जब सारी चीजें इससे मिल रही हैं तो लोग किंग को क्यों वैल्यू देंगे? लोग बोलेंगे जब इससे ही काम चलना है किंग को कौन पूछेगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे देश में अगर आपके सांसद ही आपका सारा काम कर दे तो आप पीएम से बात क्यों करोगे, या गांव का प्रधान ही काम कर दे तो आपको ज्यादा पीएम या एमपी से क्या मिलने की जरूरत। ऐसे ही लोगों ने लगा कि भाई ये सामंत हमारी हेल्प कर रहा है। एक फायदा ये हुआ इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम का कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। अब लोगों को बार बार राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें एक तरीके से बढ़ने लगी। और धीरे धीरे इन सामंतों ने अपनी खुद की आर्मी, खुद के सोल्जर डेवलप कर लिए, क्योंकि अब इन्हें जरूरत थी कोई दूसरा सामंत अटैक ना कर दे। साथ में इनके खुद के पैलेस हो गए, दरबार हो गए, खुद के महल हो गए, और ये लोग वही काम करते थे जैसा काम राजा करता था। और 12th सेंचुरी के आने से पहले इंडिया के सभी स्टेट में ये फ्यूडलिज्म हमें दिखता है, बस पंजाब को छोड़कर। पंजाब में ये हमें नहीं दिखता, पंजाब में एक अलग मोड चलता है, वहां पे अभी भी सेंट्रलाइज पावर एक तरीके से है। और धीरे धीरे इन सामंत ने भी उस राजा की तरह दूसरों को अपनी लैंड देना स्टार्ट कर दिया। इनकी आर्मी बनी, अपने ऑफिसरों को लैंड देना स्टार्ट कर दी। तो इसी को कहते हैं सब फ्यूडलिज्म, भाई सामंत के अंदर भी एक और सामंत, छोटा छोटा सामंत। और इसने इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला, और इसी वजह से इंडिया पर बहुत सारे लोग अटैक करने आएंगे। गौरी आएंगे, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये सारे लोग इंडिया की इस सिस्टम का फायदा उठाए, क्योंकि उन्हें पता है अब कोई ना मगध एम्पायर है
ना गुप्ता पीरियड है। हूनों का अटैक होगा इंडिया के ऊपर, और ये सामंत लोग अलग अलग तरीके से अपनी टेरिटरी को बस कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है देश जीते हारे, आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो कुछ फीचर्स जो इस टाइम हमें दिखते हैं इस सामंतवाद की वजह से, इंडियन सोसाइटी में पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट पड़ा? पहली बात, जो ये फ्यूडल था, ये फोर्स करने लगा फार्मर को लैंड रिवेन्यू देने के लिए। तो एक तरीके से हार्ड पावर का यूज होने लगा, और अगर फार्मर नहीं देगा तो ये उससे उसकी टेरिटरी कंट्रोल कर सकता है। साथ में लैंड का डिवीजन परमानेंट होने लगा, लैंड डिवीजन परमानेंट फिक्स है भैया, अब ये इसका मालिक। शुरुआत में ऐसा नहीं था, उनको बस लैंड रेवेन्यू का राइट होता था कि भैया रेवेन्यू कलेक्ट करना, 2-3 साल बाद दे देना। इन अब ऐसा नहीं, ये फ्यूडल जो था या सामंत अपना प्रचार करने के लिए रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह जो थे उन सबको ऑर्गेनाइज करने लगा, और साथ में अपने हिसाब से लॉ क्रिएट किए। लॉ क्रिएशन मतलब अब ये जो बड़ा किंग है उसके लॉ नहीं मानते, बोले मेरी टेरिटरी में रहते हो तो आप लोग मेरी तरीके से लॉ मानो। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग लॉ है, तो जिसके यहाँ जैसा लॉ है वो उसी बात से समझ जाता है कि भाई ये मेरा है, और जो नहीं मानता था उसके खिलाफ फोर्स का यूज किया जाता था। वो बोलता था हमारे राजा वो है, अच्छा हम बताते हैं कौन है तुम्हारे राजा। साथ में ये जो सामंत था अपना कोई भी इवेंट करता था तो उसमें राजा का नाम जरूर लिखवाता था, क्योंकि वैल्यू मिलती है। ऐसे ही है जैसे अगर कोई एमपी कोई इवेंट करे तो वो प्रधानमंत्री का नाम लिखवाए, पीएम का नाम लिखवाए। ऐसे ही ये सामंत लोग इंस्क्रिप्शन पर जो किंग है उसका नाम लिखवाते थे। कई बार किंग से फायदा लेने के लिए, दूसरे सामंत से फायदा लेने के लिए मैरिज रिलेशन भी होता था। अपनी बेटी की शादी करनी हो, बेटे की शादी करनी हो, तो हर कोई चाहता था कि भाई हम लोग इनसे शादी या मैरिज रिलेशन रखें, फैमिली भाईचारा बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें भी एक तरीके से होने लगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग ये यूज करते थे। साथ में जब भी जरूरत पड़ती थी तो राजा को, अब राजा की अपनी सेना नहीं थी, ये फ्यूडलिज्म वाले ही उसको अपनी सेना देते। तो राजा को जब भी जरूरत पड़ती थी, कोई वार होता था, तो राजा की जो आर्मी थी वो इन्हीं से बनती थी। और जो फ्यूडल या सामंत जितने अच्छे सोल्जर देगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा, तो इसलिए हर कोई अपनी सेना पर एक तरीके से खर्च करता था, और साथ में राजा को खुश करने के लिए टाइम टू टाइम गिफ्ट भी देते थे। राजा जी ये आपके लिए गिफ्ट है, हमारा ख्याल रखना। ये सारी चीजें एक तरीके से होने लगी, और साथ में ये अपनी पर्सनल सेना, अपना खुद का फ्लैग, खुद के लॉ, ये सारी चीजें भी करने लगी। अब हमारी सोसाइटी में सारी चीजें इन फ्यूडल सिस्टम की वजह से डेवलप होने लगी। तो ये हमने इसके कुछ इंपोर्टेंट फीचर डाले। अब बात करते हैं इंपैक्ट की, इसका इंपैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ। पॉजिटिव की बात करें तो फायदा ये हुआ कि डिसेंट्रलाइज होना अच्छी बात है,
क्योंकि अब लोगों के पास ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। एक राजा अकेले अगर डिसीजन ले तो उसका डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन अब इन सामंत के पास या फ्यूडल के पास डिसीजन लेने की पावर है, और साथ में ये फ्यूडल जो है ग्राउंड लेवल पे काम करता है। ये ऐसे ही है जैसे हमने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया, पंचायत। पंचायत पहुंचते ही गांव के लोगों को भी लगा, साथ में म्यूनिसपैलिटी के लोगों को भी लगा कि हम लोग भी इस डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। तो इसका इम्पैक्ट सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट कि भाई डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना, जो आज की डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट बात है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनने से ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमेशा एक ही पर्सन के पास पावर रहना वो अच्छी बात नहीं। साथ में पब्लिक और फ्यूडल के बीच रिलेशन बनने से रिवॉल्ट नहीं हुई, क्योंकि अब इनके पास इनका रिप्रेजेंटेटिव है। राजा कभी कभी मिलता था, ये तो इनके साथ ही रहते। एक तरीके से आपसी कॉपरेशन हुआ। तो ये इनका एक पॉजिटिव बना। साथ में इन फ्यूडल ने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करवाया, अपने अपने एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी हो, कैनाल डेवलप करवाना हो, कोई पॉन्ड खुदवाना हो, वो सारी चीजें भी इन्होंने दी। तो इससे एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो भी डेवलप हुआ। साथ में इन फ्यूडल ने डिफरेंट आर्टिस्ट, चाहे पेंटर हो, चाहे सिंगर हो या राइटर हो, इन सब को भी मौका दिया। ये सब लोग इनके दरबार में आते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, और हमारे देश में आर्ट एंड कल्चर के मामले में डेवलपमेंट हुआ। तो हमारे कल्चर को, आर्ट एंड डेवलपमेंट को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिला। साथ में अब पावर ट्रांसफर हुई, तो इसकी वजह से पीस भी क्रिएट हुई। तो सब लोगों को लगता है ये हमारा राजा है और ये राजा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हुई। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव जो हुआ, इस फ्यूडलिज्म सिस्टम ने किंग की पावर को कम कर दिया। किंग पावर डिक्रीज, और किंग की पावर डिक्रीज होने की वजह से बहुत सारे अटैक इंडिया के ऊपर हुए। इन अटैकों में बहुत सारे लोगों ने हमारी टेरिटरी पे कंट्रोल भी किया, मतलब किंग एक तरीके से वीक होने लगा, और किंग वीक हुआ इस वजह से उसकी किंगडम भी वीक हुई, और इसी की वजह से जो पब्लिक थी उन्होंने अपना डेडिकेशन या अपना जो भगवान है वो किंग को ना मानकर फ्यूडल को मान लिया कि भाई ये हमारी रक्षा करेगा, किंग के तो बस की नहीं है, सेना ही नहीं है उसकी। साथ में ये सामंती लोग, फ्यूडल लोग आपस में भी लड़ते रहते थे, इस वजह से वार मेंटेलिटी का डेवलपमेंट हुआ। छोटी छोटी बात पे कि भाई ये टेरिटरी मेरी है, ये टेरिटरी तुम्हारी है, मैं इस फैमिली से शादी करूंगा, तुम इस फैमिली से नहीं कर सकते, शिकार को लेकर लड़ाई हो जाती थी, कई बार गेम खेलते खेलते लड़ाई हो जाती थी, और सबके पास सेना, तो कोई एक दूसरे को कम नहीं समझ रहा है। इससे इंडिया में वार मेंटेलिटी का डेवलपमेंट हुआ। साथ में इसकी वजह से डाइवर्सिटी आई,
किंग की आर्मी में। अब किंग के पास अपनी आर्मी है नहीं, फ्यूडलों से आर्मी मांगता है। अब ये लोग आपस में ही बहुत झगड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे के बीच। और जब ये एक साथ आएंगे तो जरूरी नहीं है कि एक साथ लड़ सकें दुश्मन से। तो ये किंग की जो डाइवर्सिफाई आर्मी बनी, इसने सेना को और सोल्जर को काफी वीक कर दिया। इस वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर इंडिया आए, इंडिया की टेरिटरी पे कंट्रोल किया। साथ में इकोनॉमिक लेवल पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह जाना काफी ज्यादा मुश्किल वाला हो गया। ट्रेड बैरियर सामने आने लगे और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोगों में भी थोड़ा गुस्सा आएगा। तो ऐसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और इस फ्यूडलिज्म के सिस्टम का डेवलपमेंट का एक कारण है कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इंडिया में कोई सेंट्रलाइज पावर है ही नहीं। तो दिल्ली सल्तनत वाले लोग आए, उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल किया और उसके बाद अपना पूरा इधर साम्राज्य चलाया। तो ऐसे एक बैकग्राउंड रेडी हो गया दिल्ली सल्तनत के लिए, साथ में मोहम्मद गौरी के लिए। तो जो भी आना चाहता था वो भारत में अटैक करके आराम से जी सकता था। तो बस ये लोग आए, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन लोगों ने इंडिया पर अटैक किया। इतनी वीक सेना थी तो इनको आसानी हुई। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत इंडिया में आ गई 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी के मिड में ही दिल्ली सल्तनत का आगमन होता है। और दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो दिल्ली सल्तनत अचानक नहीं आई, बल्कि दिल्ली सल्तनत के लिए जो उसे रिसोर्स चाहिए थे, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए था, वो एनवायरनमेंट इस फ्यूडल सिस्टम ने इंडिया में क्रिएट कर दिया। तो दिल्ली के सुल्तान जो बने उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो 1206 से 1526 आराम से इन्होंने भारत में रूल किया। इनके बारे में जो हमें पता चलता है, बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे टेक्स्ट इस टाइम लिखे गए, उन सोर्स से इसके बारे में हमें पता चलता है। एक बुक है चचनामा, नामा। इस बुक में बताया जाता है कि अरब लोगों ने सिंध के ऊपर, अरब विन सिंध, इंडस वैली के आसपास का जो एरिया, जो अभी एक तरीके से पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, अरब लोगों ने उसको जीत लिया। और ये चचनामा किसने लिखी, इस राइटर का जिक्र हमें नहीं मिलता। राइटर के बारे में मैं कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि भैया ये चचनामा बताती है अरब लोगों ने सिंध वाले एरिया को जीत लिया, इसका मतलब हम लोगों को हरा दिया। ऐसे ही एक और बुक किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। इन बुकों में क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि तो कई बार इनसे पूछा जाता है कि भाई किताबुल हिंद किससे रिलेटेड थी, किसने लिखी। किताबुल हिंद भारत के बारे में बताती है कि इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इंडिया के लोग कैसे हैं, ये सारी बातें बताती है। और इसको लिखने वाला एक फेमस व्यक्ति
आलू बर्नी, बर्नी जो इंडिया घूमने आएगा और ये किताबुल हिंद इंडिया के बारे में बातें करता है। ऐसे ही किताबुल यामनी, किताबुल यामनी इस बुक को एक राइटर जिसका नाम है उत्बी, उत्बी इसके बारे में लिखेगा और ये भी इंडिया की कंडीशन के बारे में बताएगा कि भाई इंडिया में क्या-क्या चीजें हो रही हैं, कैसे इंडिया में लोग रहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, ये सारी बातें बताएगा। और एक इंपॉर्टेंट बुक सियासतनामा, सियासतनामा इस बुक से हमें दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता चलता है और ये बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम चलता है। इनके यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे कहा जाता है इक्ता सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसे लिखेगा जो निजामुल मुल्क तुसी, मुल्क तुसी ये एक तरीके से इस बुक को लिखेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट राइटर अमीर खुसरू, अमीर खुसरू काफी ज्यादा फेमस है और माना जाता है अमीर खुसरू ने 7 दिल्ली सुल्तानों का जो किंगडम है उसमें काम किया और उनका साम्राज्य देखा। अमीर खुसरू काफी अच्छा राइटर, ये इंडिया के कल्चर को और कहीं ना कहीं इसको एक माना जाता है कि इसने हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी लाने का भी काम किया और इसने कहीं ना कहीं सूफी रिलीजन से जुड़ी हुई साथ में उर्दू लैंग्वेज के डेवलपमेंट में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो अमीर खुसरू की एक बुक आशिका, इसमें लव स्टोरी है और एक राजा है और एक रानी है। राजा का नाम है खिज्र खां और रानी का नाम है देवल देवी, देवल देवी। इन दोनों की प्रेम कहानी अमीर खुसरू जी इसमें लिखते हैं। तो अमीर खुसरू बताते हैं कि भाई क्या क्या चीजें उस टाइम थी, कैसे लोग रहते थे और लोगों का जीवन कैसे चलता। तो अमीर खुसरू जी के द्वारा आशिका बुक में ये सारी बातें मिलती हैं। साथ में एक और ये लिखते हैं और ये खिलजी के साथ इंडिया आए थे, खजायन उल फतू, खजायन उल फतू। उल फतू इस बुक से हमें खिलजी डायनेस्टी के बारे में पता चलता है और ये बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने डेकन, जो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, डेकन का कैंपेन किया, वो वहां गया लड़ने के लिए। और ये भी बुक अमीर खुसरू ने लिखी। अमीर खुसरू की बहुत सारी बुक काफी ज्यादा फेमस है। एक और इनकी बुक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी चीजें हमें अमीर खुसरू से ही पता चलती है, नू सिपाहर, नू सिपी हर, ये भी अमीर खुसरू लिखता है। पर इसमें इंडिया के क्लाइमेट जैसे मानसून उसकी बात करता है, साथ में हमारे वेदर,
इंडिया की वेजिटेशन, इन सब की काफी तारीफ अमीर खुसरो करता है। ऐसे ही ये जब तुगलक काल में रहता है तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक बुक लिखता है जिसका नाम है तुगलकनामा। तुगलक नामा। तो अमीर खुसरो की ये चार बुक हमने देखी, एक आशिका प्रेम कहानी, खजैन उल फतेह अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन कैंपेन के बारे में, नूह सिपाहियर इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, और तुगलक नामा गयासुद्दीन तुगलक जिसके दरबार में रहता था। तो ये सब अमीर खुसरू ने लिखी, काफी ज्यादा फेमस राइटर है। एक दिल्ली सल्तनत का रूलर जो खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखेगा, एकमात्र दिल्ली सल्तनत की ऑटोबायोग्राफी जो लिखता है वो है फरोज शाह तुगलक। वो लिख रहा है फतुअत ए फरोज शाही, फतुआत ए फिरोजशाही। ये ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जब कोई अपनी बुक खुद लिखे, जैसे हम कहते हैं आत्मकथा, तो फिरोज तुगलक ये लिखता है। इससे पता चलता है कि भाई राजा की जो सोच थी वो कैसी थी, तुगलक लोगों ने कैसे कंट्रोल किया, और इसने ही हमें बताया कि कैसे तुगलक डायनेस्टी के ओरिजिन से लेकर उस तक की जो कहानी थी वो कैसी थी। तो ये हमने कुछ बुक देखी जिन सोर्स से हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। पहला हमने देखा चचनामा, जिससे पता चलता है कि अरब लोगों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। किताबुल हिंद, इसमें ज्योग्राफी के बारे में अलुबरनी बताता है। किताबुल यामनी के बारे में उतबी बताता है। सियासतनामा, इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में चलता है उसके बारे में बताया जाता है, जिसे निजामुल मुल्क तुसी लिखता है। उसके बाद कुछ बुक अमीर खुसरो की आशिका, जिसमें खिजर खां और साथ में देवल देवी की प्रेम कहानी, खजायन उल फतेहु अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, डेक्कन का इसका एक कैंपेन, नू सिपाहियर क्लाइमेट वेदर वेजिटेशन, और तुगलक नामा गयासुद्दीन तुगलक, और फिर फतेहु वो फिरोजशाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी, खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, आत्मकथा एक तरीके से लिखता है, पर एकमात्र दिल्ली सुल्तान जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ऐसे हमने इनके सोर्स जाने। अब बात करें रूलर कौन कौन हुए, तो सबसे पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिसके बारे में आपने सुना होगा कुतुब मीनार, इसी ने बनवाई, एक सूफी संत। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, और ये बहुत पीसफुल वाला रूलर था। इसके जो राजा थे वो इसको देखे गए थे कि जा बेटा ये संभाल लेना, और ये एक तरीके से स्लेव हुआ करता था। और इसने उसी अरब के राजा के बेस पे अपना रूल चलाया, उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसको ही बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ये रूल करता है 1206 से लेकर 10 तक, और उस टाइम जो रूल चलता है मुस्लिम लीजन से जुड़ा हुआ, इनका जो रिलीजियस हेड है जिसको ये लोग बोलते थे खलीफा, खलीफा
खलीफा इनका रियल हेड है और उस रिलीजियस हेड के नीचे एक तरीके से किंग जो है रूल कर रहा है, डेडिकेशन उसके प्रति। ये काफी ज्यादा लिबरल राजा है, सबसे प्यार से रहेगा, हिंदू हो सिख हो किसी को परेशान नहीं करेगा। और इतना लिबरल लेने के कारण ही इसे लोग कहते थे लाख बक्स। ये लाख बक्स है। मतलब काफी ज्यादा पीसफुल पर्सन है, तो इसने ज्यादा कुछ ऐसा नहीं किया, जो टेरिटरी से मिली उसी टेरिटरी पे कंट्रोल करके रहा। और इसने अपनी जो कैपिटल बनाई वो बनाई लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, इसको अपना कैपिटल बना। यहीं से एक तरीके से रूल करता है, लेकिन अपने आप को सुल्तान नहीं बोलता, बोलता नहीं मेरा आका खलीफा है। इतना शांति कि अपने आप को सुल्तान तक नहीं बोलेगा, मैं तो बस उनका दास हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं। और अपने आप को बोलेगा सिपही सलाहार, सलाहार मैं तो बस उनकी तरफ से रूल करता हूं, वैसे मेरे पास कुछ नहीं है। और ये काफी अच्छा सॉन्ग भी गाता था, काफी अच्छी आवाज थी इनकी, पूरी मेलोडी वाली, इसलिए इन्हें सुरीला गाने के कारण कुराना खां भी कहते थे, कुराना खां। काफी ज्यादा सुरीला गाते थे इसलिए बोला जाता था कुराना खां। और फिर एक दिन ये पोलो एक गेम होता है जिसमें घोड़े पर बैठकर आपको बॉल को मारना पड़ता है, तो वो ही एक दिन खेल रहे थे, बॉल मार रहे थे, बॉल तो लगी नहीं लेकिन वो जो स्टिक था वो जमीन में लगा और इनका बैलेंस बिगड़ा और पोलो से खेलते टाइम घोड़े से गिर गए। और घोड़े से गिरे, उनके सिर पे चोट लगी, वहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसे पहले दिल्ली सुल्तनत की डेथ हुई। इन्होंने काफी पीसफुली सबके साथ मिलके, साथ में इंडिया में एक नया रिलीजन सूफी, जो काफी लिबरल मुस्लिम रिलीजन से जुड़ा हुआ एक कल्ट है, उसकी भी शुरुआत होती है। तो 1210 में इसका एंड हो जाता। इसके बाद जो नया रूलर बनता है वो बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि ये कुछ चीजें करेगा जो उसने छोड़ी थी 1211 से लेकर 36, लगभग 25 ईयर तक इल्तुतमिश इंडिया में रूल करेगा। और इसी को रियल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इसी ने सारी चीजें की और अपने आप को सुल्तान बोला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान ही नहीं बोला। और साथ में इसके समय मंगोल अटैक इंडिया में हुआ, मंगोल अटैक, एक मंगोलर चंगेज खान। चंगेज खान इंडिया में आता है और वो इंडिया आता है एक रूलर का पीछा करते हुए। ख्वारिज के एक राजकुमार थे जलालुद्दीन मांगवरनी। चंगेज खान ख्वारिज को अपने कंट्रोल में करना चाहता था और साथ में इस राजकुमार को भी मारना, तो वो पीछा करते हुए चंगेज खां मंगवरनी का पीछा करते हुए इंडिया तक आया।
और मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से बोला कि भैया मुझे शेल्टर दे दो, तो इसने मना कर दिया। इस तरीके से हम लोग मंगोल अटैक से बच पाए। तो ऐसा बोला जाता है कि इसने बड़ा बुद्धि वाला काम किया, वरना चंगेज खान उस टाइम काफी ज्यादा शक्तिशाली था। और ये कैपिटल लाहौर से दिल्ली लेके आया, कैपिटल जो इंडिया की वो दिल्ली बनाई, इसलिए इसको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। और इसने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, एक पूरे से बॉडीगार्ड टीम बनाई जो रूलर का और साथ में दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर सके। ऐसे कुछ लोग छांट छांट के उसने रखे, जिसे वो बोलता है तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी ये एक 40 मेंबर का ग्रुप था, और ये जो मेंबर थे काफी एक्सपर्ट थे लड़ने में, एक तरीके से एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरह इसने इसको डेवलप किया। काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी गई, और इन लोगों को ये बोलता था अमीर, अमीर मतलब आज का आईएएस ऑफिसर, ऐसे एक तरीके से बोलता। साथ में इसने अपने टाइम में करेंसी भी लॉन्च की, सिल्वर की, गोल्ड की, इन सब करेंसियों को भी लॉन्च किया। गोल्ड का प्योर इसने कॉइन जो चलाया उसको बोलता था टंका, गोल्ड कॉइन टंका एक तरीके से चलता। साथ में इसने कॉपर का भी कॉइन चलाया, जिसे बोलता था जीतल, जैसे आपने सुना होगा पीतल, ऐसे जीतल। और सिक्कों पर नाम लिखवाया, कॉइन पर नेम भी लिखवाया कि भैया मेरे टाइम में है, साथ में डेट भी लिखवाई। ये सारी चीजें भी इसने, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इकता सिस्टम वो भी इसने डेवलप करवाया। कैसे भाई एक आईएएस ऑफिसर, उसके नीचे बहुत सारे ऑफिसर, कैसे ये लोग रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कैसे मुझे देंगे, ये सारी बातें भी इसने करवाई। साथ में दिल्ली में एक मकबरा बनवाया, जिसे हम टॉम कहते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अभी भी ये दिल्ली में है, मकबरा आपने देखा होगा, मुस्लिम में मस्जिद के आसपास एक टॉम सा होता है, ऐसे कटोरे टाइप का, जिसे हम टॉम कहते हैं, जैसे हुमायूं का टॉम। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इंडिया का पहला मकबरा है, फर्स्ट टॉम है। और ये मकबरे किस लिए बनवाते थे, यहाँ पर इनकी बॉडी को दफनाया जाता, जो बड़े बड़े फेमस रूलर थे उनकी बॉडी को यहीं पे दफनाया जाता। ये सारी चीजें इसने की, और इसने अपने दरबार में ईरानी जो ट्रेडिशन था उसको भी लॉन्च किया। ईरानी ट्रेडिशन से राजा की रेस्पेक्ट होती थी, उस रेस्पेक्ट को भी इसने जिंदा किया। साथ में एजुकेशन के लिए मदरसा, मदरसा बनवाए, मस्जिद के साथ लोग एजुकेशन लेने के लिए जाते।
लेकिन एजुकेशन सिस्टम रिलीजन से ज्यादा जुड़ा हुआ था, कुरान पढ़ाई जाती। और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार बना के गया था, उस कुतुब मीनार का रिनोवेशन कराया, उसको थोड़ा सही कराया। तो कुतुब मीनार के रिनोवेशन में भी इसने काम कराया। इल्तुतमिश जब अपने आखिरी समय में था तो उसे लगा किसको राजा बनाया जाए। इसके कुछ बेटे थे, एक लड़की थी रजिया। इसे लगा कि इनके बेटे से ज्यादा काबिल इनकी बेटी रजिया है। तो इल्तुतमिश अपना जो राजपाट है वो रजिया के हाथ में दे जाते हैं। तो अगला जो रूलर बनेगी वो बनेगी रजिया सुल्तान। सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र वुमेन सुल्तान, रजिया सुल्तान बनेगी। और ये 1236 से 40 रूल करेगी। और रजिया के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कैसे रजिया रूल करेगी और फिर कैसे रजिया को मार भी दिया जाएगा। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।